मैं इस बजट को निश्चित रूप से चुनावी बजट नहीं कहूँगा, ये अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट, क्योंकि अगर चुनावी बजट होता तो पॉपुलर अनाउंसमेंट वित्त मंत्री बहुत सारी कर सकती थी। मुझे लगता है वित्त मंत्री ने अपना फोकस ये अर्थव्यवस्था को गति देने पे रखा है। आप देखेंगे बजट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रखा, उन्होंने हाउसिंग पे फोकस जारी रखा, उन्होंने हर घर जल पहुंचाने पर फोकस जारी रखा, उसके लिए 48,000 करोड़ की व्यवस्था की, उन्होंने MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देने के लिए जारी रखा, उनकी स्कीम को एक्सटेंड किया, 5,00,000 करोड़ की व्यवस्था की, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो छूटा हुआ था कोविड के इम्पैक्ट के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था उसको भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की, डिजिटल इकोनॉमी के पुश की बात कही। तो मुझे लगता है हर विषय को एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट वित्त मंत्री ने, वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने कोविड की कठिनाइयों के बावजूद, देर वॉज अ स्ट्रेस ऑन रेवेन्यू, उसके बावजूद उन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ रहा था उसकी चिंता किए बगैर अर्थव्यवस्था को अगर गति देना है, अगर हमें 8.5% की ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर पुश जारी रखना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात वित्त मंत्री ने की, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की बात की। तो मुझे लगता है बजट के माध्यम से आवश्यक वो फोकस रखते हुए पैसे की व्यवस्था करना और इम्प्लीमेंटेशन को फोकस रखते हुए, प्रोसेस इम्प्रूव करते हुए इम्प्लीमेंटेशन को तेजी से आगे बढ़ाना, ये फोकस वित्त मंत्री ने आज के बजट में जारी रखा। इस बजट में हीरे को सस्ता कर दिया गया है और एक चीज ये लगता है कि जो इस बार वर्ग बट गए हैं, वोट बैंक है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, वृद्ध है, दलित है, अति दलित है, इतना वोट बैंक हो गया है, क्या उसको सेटिस्फाई कर पाया है ये बजट? जैसे मैंने कहा, मैं इस बजट को बिल्कुल चुनावी बजट नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं चुनावी कॉन्टेक्स्ट में इस बजट का विश्लेषण शायद नहीं करूँगा, क्योंकि ये बजट का फोकस हमेशा रहा है। इस बजट ने अगर आप देखेंगे तो बजट ने हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया है, महिलाओं के लिए स्कीम की बात की है, कृषि के लिए नए, कृषि को कैसे हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किसानों की आय अगर दुगनी करनी है तो उसके लिए किसानों को क्या क्या दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी देना, नई अर्बन प्लानिंग की बात की है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात की है, हाईवेज़ की बात की है, रेलवेज़ की बात की है, सिविल एविएशन की बात की है। तो मुझे लगता है कि इसमें वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। आज एक डिजिटल बजट जी संसद में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज पेश किया है, बहुत ही एक अच्छा बजट है, ये पीपल सेंट्रिक बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और विशेष करके डिजिटल माध्यम में आज बजट का जो आज उपस्थापन हुआ है, ये भारत के संसद में पहली बार ऐसे बजट पेश हुआ है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है भारत को विश्व में एक सभी क्षेत्रों में एक विकसित देश के नाते निर्माण नवनिर्माण करने के लिए उनका जो सपना है, उस सपना को इस बजट में आज जरूर उसका झलकिया देखने के लिए मिल रहा है।